दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी से लूट की वारदात के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में है। बीती रात एनकाउंटर के बाद पुलिस ने दो बदमाशों को पकड़ा है। पहला एनकाउंटर भलसवा डेयरी इलाके का वहां हुआ है, जबकि दूसरा एनकाउंटर राजघाट के पास पुस्ता रोड पर हुआ। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 40 केस में वांटेड इमरान को गिरफ्तार किया है। दिल्ली की बलसवा लैंडफिल बीती रात करीब 9 बजे पुलिस को खबर मिली थी कि इलाके का हिस्ट्री स्ट्रीट रानंद उर्फ तुषार इलाके में मौजूद है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने के जवानों ने बदमाश को पकड़ने के लिए घेराबंदी की तो पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग कर उसे पकड़ लिया है, तो दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, कल एक बड़ा एनकाउंटर दो जगह दिल्ली में देखने को मिला और पुलिस को भी बड़ी कामयाबी मिली है, क्या कुछ जानकारी? जी ममता, आपको बता दूं, मैं जिस तरह से रात 9 बजे के आसपास खबर आई थी कि लगभग दिल्ली में दो जगह पर पुलिस की आरोपियों के साथ मुठभेड़ हो रही है, उसमें पहले जो आरोपी था वो तुषार नाम का एक व्यक्ति बताया जा रहा है, जो भलसवा लैंडफिल के पास से गुजर रहा था। पुलिस वहां पे पहले से मौके पर मौजूद थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि तुषार नाम का ये आरोपी यहाँ से गुजरने वाला है। इस पर लगभग 25 से ज्यादा जो केसेस हैं वो चल रहे थे, जिस वजह से पुलिस उसे पकड़ने की पूरे प्रयास में थी। जब पुलिस ने उन्हें रोका तो पुलिस पर पहले तुषार ने गोली चलाई, जिसके रिप्लाई करते हुए पुलिस ने भी गोली चलाई और तुषार के राइट पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उससे लगातार जो पूछताछ है वो जारी है। लगातार उसके साथी जो थे, जो पिछली वारदातों में उसके साथ शामिल थे, उनकी जानकारी पुलिस निकालने की कोशिश कर रही है ताकि उन्हें भी जल्द से जल्द पकड़ सके। वहीं जो दूसरा जो मुठभेड़ हुई है वो महेंद्र पास राजघाट डिपो के पास में हुई थी। राजघाट डिपो के पास में पुलिस को सूचना मिली थी कि इमरान खान का जो एक व्यक्ति है वो वहां से निकलने वाला है, वो बड़ा आरोपी माना जा रहा है। लगभग 17 से 18 बार पहले भी वो गिरफ्तार पुलिस उसे कर चुकी है कई अन्य मामलों में, इस बार भी उसे गिरफ्तार करने के लिए वहां पर रुकी हुई थी। तो इसके साथ भी मुठभेड़ पुलिस से हो जाती है और दोनों तरफ से गोली चलने के बाद पुलिस इमरान को भी गिरफ्तार कर लेती है और उससे भी लगातार अभी पूछताछ जारी है। ममता, संदीप, जहां एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी के साथ लूटपाट हुई थी और आज ये कल रात ये दो बड़े एनकाउंटर, क्या लगता है अब पुलिस थोड़ी चौकस नजर आएगी क्योंकि दिल्ली वालों में एक डर बैठ गया है? जी ममता, जैसे लगातार जो दिल्ली है एक पॉस इलाका, एनसीआर का सबसे बड़ी जगह दिल्ली है, दिल्ली में बाहर से ज्यादातर लोग आते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सुरक्षा में चूक दिल्ली के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर जैसे मोदी जी की भतीजी के साथ ये लूट की वारदात, तो उसके बाद से लगातार जो पुलिस टाइट थी, लगातार जगह जगह पर चेकिंग अभियान चल रहे थे क्योंकि जो आरोपी थे वो स्कूटी से घूम रहे थे, तो स्कूटी से घूमना वो भी दिल्ली इलाके में जहाँ पर ट्रैफिक रूल इतने ज्यादा हाई है, तो ऐसे में ये बड़ी वारदात हो जाती है। तो इसके बाद ही लगातार पुलिस चेकिंग अभियान कर रही थी, तो कल भी इसी तरह से चेकिंग अभियान कर रही थी। तो उसी में सूचना मिलती है पुलिस को कि दो जगह पर जो दो बड़े आरोपी हैं वो दिल्ली में पहुंचने वाले हैं, ऐसे में पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए अपने पूरा इंतजाम के साथ वहां खड़ी रहती है और उसके बाद ही मुठभेड़ चालू हो जाती है, जिसके बाद दोनों आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जी संदीप, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।